वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपके अक्सर ये सवाल मेरे पास में आते हैं कि क्या सर हम विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर सकते हैं क्या? हमें डाइवोर्स लेने में काफ़ी अधिक समय लग जाएगा और यहाँ पे एक गारंटी नहीं है कि हमें डाइवोर्स मिले ही। तो आप हमें वो रास्ते बताइए जिनको यूज करके हम विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर सके। तो बिल्कुल आज मैं आपको रास्ते बताऊंगा कौन कौन से रास्ते होते हैं जिनसे आप विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर सकते हैं। तो बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विदाउट डाइवोर्स शादी करने के कुछ रास्ते होते हैं। इनमें पहला रास्ता होता है कि अगर कोर्ट ने आपकी शादी को वॉइड करार दे दिया है, आपकी शादी को शून्य करार दे दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है कि आपकी शादी शून्य है, तो फिर आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दूसरा रास्ता ये होता है कि अगर आपका बाल विवाह हुआ है, लड़के की एज 21 से कम थी, लड़की की एज 18 से कम थी, उस टाइम पे अगर आपकी शादी हुई है, बाल विवाह हुआ है, तो वो भी वॉइड की कैटेगरी में आता है, शून्य विवाह की कैटेगरी में आता है, तब भी आपको कोई डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तीसरा रास्ता आता है कि अगर आपकी शादी इनवैलिड है, वॉइड है, जैसे आपकी शादी फोर्सफुली हुई है, दबाव से हुई है, ज़बरदस्ती हुई है, चीटिंग के थ्रू हुई है, प्रॉपर रीति रिवाज से नहीं हुई है, और यहाँ पे अगर आप साबित कर देते हैं अपनी शादी को, अगर वॉइड करवा लेते हैं, शून्य करवा लेते हैं, इनवैलिड करवा लेते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चौथा रास्ता होता है कि अगर दो पार्टनर शादी कर रखे हैं और एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें पांचवा रास्ता आता है कि अगर एक पार्टनर, यानी कि दो पार्टनर की शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं, और इनमें से कोई एक लापता हो जाता है, 7 साल तक उसका कोई पता नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में भी आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे अगर आप आगे किसी पार्टनर को बनाना चाह रहे हैं या फिर किसी से आप शादी करना चाह रहे हैं, तो उसको ये जानकारी ज़रूर दें कि मेरा पार्टनर इस तरीके से लापता हो गया है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन से दूसरी शादी करते हैं, तो फिर आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 5 रास्ते होते हैं, और भी कई रास्ते होते हैं, पर इम्पोर्टेंट रास्ते ये हैं। इनके आधार पर अगर आप शादी करते हैं, तो आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।